हेलो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी अच्छे होंगे घर पे सेफ रहिएगा घर से बात मत निकलिएगा ओके घर पे रहिएगा ठीक है लेट्स स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सी बी एस ई तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर्स है सॉल्यूशन आपने पहले पढ़ा है कि सॉल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं फर्स्ट होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड आपका हाइड्रोजीनियस मिक्सचर ओके इज इस होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंस द सेम और डिफरेंट फिजिकल स्टेट हो सकता है होमोजीनियस एक्स में ये कंडीशन है कि सेम फेज में होना नेसेसरी है देखिए सॉलिड सॉलिड लिक्विड लिक्विड गैस गैस तो हो सकता है उनके डिफरेंट फिजिकल फेज भी हो सेम भी हो सकते डिफरेंट भी हो सकते जैसे आपके पास गैस एक गैस स्टेट में एक लिक्विड स्टेट में लिक्विड में, लिक्विट में ठीक है ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में है लिक्विड फॉर्म में मतलब इट मीस आपके पास लिक्विड एक आपके पास सबसे पहले क्या है सॉलिड लिक्विड या गैस अलग अलग थ्री फेजेस हैं ओके अब आपके पास फर्स्ट कह रहे हैं कि कोई भी सॉल्यूशन आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूट और सॉलवेंट होना नेसेसरी है क्लियर है कि बाइनरी सॉल्यूशन होगा तो उसमें सॉल्वेंट इज़ अ कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट द लार्ज क्वांटिटी वाई द अदर कंपोनेंट इज नॉट नोन एज सॉल्यूट तो इससे कह रहे हैं आपसे कि आपके पास जो सॉल्यूशन होता है उसमें टू कंपोनेंट नेसेसरी होते हैं तभी आपके पास सॉल्यूशन बनता है फर्स्ट वन इज सॉल्यूट सेकेंड वन इज सॉल्वेंट अब आपसे कह रहे हैं क्लासीफिकेशन क्लासीफिकेशन आपको पता है कि इसमें क्या है सॉलिड लिक्विड और गैस का क्लासिफिकेशन है जैसे आप क्या करते हैं सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करते हैं तो आपके पास एलवाई फॉर्मेशन होता है ठीक है नेक्स्ट है लिक्विड को सॉलिड में करते हो गैस को सॉलिड में करते हैं तो आपके पास एक्जाम्पल होते हैं अब आपको यहाँ पर एक अमलगम दिख रहा होगा अमलगम क्या होता है लिक्विड स्टेट में होता है याद रखिएगा इन रूम टेम्परेचर के तो एने के साथ मिक्स कर देंगे तो आपके पास अमलगम लिक्विड था लिक्विड में आपने एने मिक्स कर दिया एने क्या होगा आपके पास सॉलिड फॉम होगा हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट ये होता है कि आपने वाटर में सॉल्ट मिक्स कर दिया ओके नेक्स्ट है गैस और सॉलिड मिक्स कर दो तो गैस में आप सॉलिड मिक्स गैस के आपके पास डिजोल्व गैस में मिनरल्स ऐड कर दो डिजोल्व गैस के आपके पास जैसे आपने मान लीजिए आपने ले लिया डिजोल्व गैस में लेट कर लीजिए कोई गैस आपकी डिजोल्व थी अमोनिया उसमें आपने मिनरल्स मिनरल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं तो गैस और सॉलिड को ऐड कर दिया क्लियर नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूशन ठीक है लिक्विड सॉल्यूशन ले लेते हैं और गैसेस ले लेते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा सॉलिड और लिक्विड ले लिया नेक्स्ट लिक्विड लिक्विड ले लिया गैस और लिक्विड ले लिया लेट कर लिया आपने अब आप ये आपके पास क्या है लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं सॉलिड में देखिए पहले आपने सॉलिड लिक्विड गैस यहाँ ले लिया और लिक्विड 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 यहाँ ले लिए फर्स्ट है सॉलिड लिक्विड जैसे आप एक लेट कर लिए आपके पास एक ग्लास वाटर का है उसमें आप वन टेबल स्पून आपने के डाल दिया उसमें क्या डाल दिया सॉल्ट डाल दिया सॉल्ट के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी आपके पास एक सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा यस yes. नेक्स्ट है लिक्विड को लिक्विड में जैसे अल्कोहल का एग्जाम्पल गुड है नेक्स्ट है गैस का लिक्विड में तो ये आपके पास क्या बन रहा है एक ये है एरिटेटेड ड्रिंक इन वाटर आपके पास क्या है ये देखिए अब आपके पास लिक्विड और गैस को दोनों को मिक्स किया तो आपके पास क्या बन गया एक ड्रिंकिंग वाटर बन गया जिसमें आपके पास क्या है गैस भी है और लिक्विड भी है क्लियर और नॉट नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट आपके पास गैसेस सॉल्यूशन गैसेस मीन्स आपके पास एक गैसेस के मिक्सचर हैं देख रहे होंगे आप ठीक है ये गैसेस के मिक्सचर है इसमें सॉलिड लिक्विड गैस ऐड कर रहे हो जैसे लिक्विड के थे इसमें सॉलिड लिक्विड गैस ऐड करा आपने ठीक है सॉलिड को गैस को आप सॉलिड में ऐड करते हो आइड वाटर इन एयर नेक्स्ट है लिक्विड को गैस से कर रहे हो वाटर वेपर इन एयर नेक्स्ट है गैस को गैस में कर रहे हो तो एयर आपके पास क्या कहते हैं गैस को गैस में ऐड करते हैं तो आपके पास ओ टू क्या गैस है एंड टू भी गैस है क्लियर और नॉट आप कह रहे हैं वाटर इज यूज एज अ सॉल्वेंट द सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या आपके पास एक्वा सॉल्यूशन अगर आपके पास वाटर क्या होता है सॉलवेंट होता है तो उसे बोलोगे आप एक्वास में क्लियर है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बाद में आपको प्रॉब्लम करेगी देखिए अगर आपके पास क्या है वाटर जो है एज अ सॉल्वेंट होता है तो क्या हो जाएगा आपके पास एक्वस इफ नॉट द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन एक्वस क्लियर और नॉट एक्वस और नॉन एक्वस का आपके पास फंडा आना चाहिए कि एक्वस क्या होगा जिसमें वाटर ज्यादा अमाउंट में है और नॉन एक्वस होता है जिसमें वाटर लेस अमाउंट में Next है नेक्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट और कह रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो लार्ज अमाउंट में आपके पास सॉल्यूट है

सेचुरेटेड में क्या रहेगा आपके पास गिवन रहेगा ये देखिए इन द गिवन टेम्परेचर क्लियर टेम्परेचर आपको गिवन होगा नेक्स्ट है सुपर सेचुरेटेड इसमें आपसे कह रहे हैं कि आपके पास सॉल्यूड लार्ज अमाउंट में होगा और सॉल्यूशन विच कंटेन मोर सॉल्यूड देन दैट वुड बी नेसेसरी टू एट गिवन टेम्परेचर इट कॉज सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन अच्छा अब है सॉलिबिलिटी सॉलिबिलिटी आपको पता है कितने ग्राम ऑफ अपने क्या लिया कितने ग्राम देखिए इसमें कह रहे हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट देखो सॉल्यूट लिया आपने मान लीजिए एन लिया उसको आपने लिक्विड में डाला लिक्विड में डालने के बाद क्या जाएगा वो कंप्लीट मिक्स हो जाएगा मिक्स होने के बाद आपके पास कह रहे हैं एट अ गिवन टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ इट्स सॉलिबिलिटी एट दैट टेम्परेचर तो टेम्परेचर मिक्स करोगे तो कंप्लीट मिक्स हो जाएगा क्लियर अब देखिए सॉलिबिलिटी भी किस किस पर डिपेंड करता है फर्स्ट नेचर ऑफ द सॉल्यूट हो सकता है वो लिक्विड हो? हो सकता है गैस हो हो सकता है वो सॉलिड हो सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है क्लियर नेक्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट इसका मतलब क्या है आपके पास नेचर मतलब क्या फॉर्मेशन करता है जैसे कोई होते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के होते हैं या अलग अलग टेम्परेचर के होते हैं ठीक है अलग अलग टाइप्स के आपके पास उसकी प्रॉपर्टी होती है ठीक नेक्स्ट आपके पास क्या फर्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्यूट ठीक है नेचर ऑफ़ सॉल्वेंट डिफरेंट डिफरेंट फर्स्ट वाली के डिफरेंट सेकेंड वाली के डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ईजिली मिसिबल हो जाएगा और बहुत लेस टेम्परेचर होगा तो ईजिली मिसिबल नहीं होगा प्रेशर क्या होगा इन केस ऑफ गैसेज अगर गैसेस फॉर्म में है तो प्रेशर होना नेसेसरी कंडीशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको पहले ही आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल दीजिएगा ठीक है इम्पोर्टेंट हैंडी लॉ इसमें क्या करें देखिए द मोस्ट कॉमनली यूज ठीक है लॉ स्टेट्स दैट ठीक है द पार्शल प्रेशर पी ऑफ द गैस वे वेपर फेस इज प्रोपोर्शनल टू द मोर फैक्शन ऑफ द गैस इन द गिवन सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस एस ठीक है पी इज इक्वल के एच देखिए सबसे पहले आपके पास होगा क्या जो पी आपका प्रेशर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा काई की होगा मोर फ्रैक्शन काई की होगा उसके बाद आपके पास एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा इक्वल जैसे आप लगाओगे तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा आपके पास के एच क्लियर ये आपके पास क्या है हनरी कॉन्स्टेंट हो गया के देख लिया आपने फॉर्मूला कैसे फॉर्मेशन हुआ नेक्स्ट कह रहे हैं देखिए ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के एच अगर के एच की वैल्यू ज़्यादा होती है तो आपके पास जो पी प्रेशर है हाइयर द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस तो वो क्या हो जाएगा आपके पास सॉलिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है आप कह रहे हैं ये याद है क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्लियर द वैल्यू ऑफ के एच डिक्रीज अगर के एच की वैल्यू आप डिक्रीज़ करते हो विथ इंक्रीज द टेम्परेचर टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि आपके पास क्या है ये आपके पास इनवर्सि प्रपोर्शनल है ठीक है आपने पी वी इज इक्वल पढ़ा था ना गैस स्टॉफ पी वी इज इक्वल एन आर टी तो यहाँ से आप पी वी इज इक्वल एन आर टी निकाल लोगे जैसे आपके पास फॉमूला होता है पी वी इज इक्वल एन आर टी ठीक है अब आप यहाँ पर देखो पी की वैल्यू निकालोगे पी इज इक्वल आ जाएगा आपके पास में ले आएगा तो इट मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा ये इनवर्सिपल पोस्टम आ जाएगा क्लियर तो याद रखिएगा हेड जो आपके पास गैस लॉ था वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा पी वी जी को एन इक्वल वन रख दो एनआरटी या आपके गैस लॉ के अकॉर्डिंग आया क्लियर <coughs> हो गया द द वैल्यू ऑफ की डिक्रीज इनक्रीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर मोर डिजॉल्व इन ऑक्सीजन रादर देन वार्म वाटर अब आप याद रखिएगा कि जो कोल्ड वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन मोर अमाउंट में क्या होते है? होती है डिजोल्व होती है ठीक है अगर मोर अमाउंट में डिजोल्व होती है तो एक्वेटिक जो स्पेसीज होते है, वो more comfortable है, Next, हैं वो मोर कंफर्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू किसके वार्म वाटर के दिख रहा है ठीक है नेक्स्ट है एप्लीकेशन एप्लीकेशन का मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक क्लियर है सॉफ्ट ड्रिंक के लिए सोडा एस और सी ओ टू पास जाता है हाई टेम्परेचर इंक्रीज सॉलिबिलिटी अगर हम हाई अमाउंट में क्या करेंगे इंक्रीज़ कर देंगे इसकी सॉलिबिलिटी को बढ़ाने के लिए सी ओ टू को पास करेंगे ठीक है ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए है नेक्स्ट है टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट बैंड्स ठीक है और द डीप कंप of deep स o2 diluted with less soluble he give he he देखो हीलियम गैस इज यूज एज ए ब्रीथिंग गैस इसमें आपको पता है कि हीलियम क्या होती है आपके पास ब्रीथिंग गैस होती है क्लियर नेक्स्ट आपके पास क्या है एट हाई एल्टीट्यूड द पास्टर प्रेशर ओ टू इज लेस देन द ग्राउंड लेवल दिस लो कंसंट्रेशन ऑफ ओ टू ठीक है ब्लड इज क्लाइंबिंग विथ कॉज एनोक्सिया ये आपके पास क्या है ये भी एक अच्छा बेनिफिट है आपके पास ठीक है ब्लड सर्कुलेशन के लिए नेक्स्ट है आपके पास कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कंसनट्रेशन कब होता है बेटा देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे इसमें हो जाते हैं एक आपके पास डायल्यूट होता है एक कंसनट्रेटेड होता है ठीक है द कंसनट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेशर इन अ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट वन इज डायल्यूट सॉल्यूशन एंड सेकेंड वन इज कंसनट्रेट सॉल्यूशन क्लियर ऑन नॉट नेक्स्ट कह रहे हैं मैथड ऑफ़ एक्सप्रेशन कंसल्टेशन सोल्यूशन सबसे पहले क्या देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल अब आपके यहाँ से न्यूमेरिकल के फॉर्मले स्टार्ट हो जाते हैं ये है मैथड मैथड के लिए क्या है? क्या है देखिए फर्स्ट मैथड आपके पास कंसलटेशन फर्स्ट है परसेंटेज ऑफ वेस्ट वेट वेट कितना है गिवन वेट अपॉन में टोटल एटॉमिक वेट मैंने आपने मोल फ्रैक्चर वा यू बताए थे आपको कि गिवन वेट आपके पास मान लीजिए कि हमने क्या कहा इसमें 12 ग्राम दे दिया आपके पास ठीक है 12 ग्राम ऑफ ओ hmm, दे दिया अब आपके पास ट्वेल्व ग्राम तो गिवन है अपॉन में ओटू का कितना होता है ट्वाइस ऑफ ओ ओ का कितना होता है आपके पास कितना होता है थर्टी टू के अप्रोक्स होता है इसको so, सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास ये निकल जाएगा ठीक है परसेंटेज मल्टीप्लाई हंड्रेड कर लेना इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द हंड्रेड ग्राम ऑफ सॉल्यूशन तो हंड्रेड इसलिए लेते हैं कि टोटल अमाउंट हमारा हंड्रेड ही हो तो डायरेक्टली हम ग्राम में वेट निकाल लें कैसे जैसे हम मान लीजिए हंड्रेड ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कह रहे हैं सोल्यूशन आप हंड्रेड ग्राम लोगे मान लीजिए आपने हंड्रेड तो आपने क्या ले लिया हंड्रेड ग्राम आपने कोई भी ये देखिए हंड्रेड ग्राम ऑफ सॉल्यूट ले लिया अपॉन में सॉल्यूशन भी आपने क्या कर लिया सॉल्यूशन ले लिया मान लो हंड्रेड ग्राम और मल्टीप्लाई आप क्या कर दोगे परसेंटेज के फॉर्म में हंड्रेड आ जाएगा इससे ये कट आउट हो जाएगा आपका हंड्रेड ग्राम डायरेक्टली आ जाएगा क्लियर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट है परसेंटेज बाई वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब जो गिवन वेट जैसे आपके पास क्या देखा देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहले आपके पास इट इज डिफाइंड वेट अपॉन माई हंड्रेड एमल ऑफ सॉल्यूशन मान लीजिए आपने ये ले रखा ना डिफाइंड एज अ वेट ठीक है जो सॉल्यूट होगा ऊपर तो आप सॉल्यूट लोगे और अपॉन में क्या ले लोगे सॉल्वेंट और मल्टीप्लाई क्या हंड्रेड ठीक है हंड्रेड करने के बाद आपके पास देखिए सबसे पहले आपने वेट ऑफ सोल्यू ये ले लिया क्या वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई हंड्रेड और द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट प्रजेंट द हंड्रेड एम एल ऑफ सॉल्यूशन ठीक है लेट कर लिया आपने वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट सॉल्यूट हमेशा ऊपर आएगा सॉल्यूशन कंप्लीट का होता तो नीचे आएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कंप्लीट आपका सॉल्यूशन बनता है तो ऊपर सॉल्यूट ही आएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा सॉल्यूट प्लस क्या नीचे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का एडिशन हो जाएगा क्लियर अब हम ये आपके अभी नुमाकल में यूज़ होंगे ठीक है ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन में ये जो तो आपके पास ना एक बार बस डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट आपके पास नंबर ऑफ मोल्स तो ऊपर आएगा और होल अपॉन में आएगा देखो एक कंपोनेंट का अपॉन में टोटल का और बी कंपोनेंट का अपॉन में टोटल का अब नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको निकालना सिखाया था कि गिवन वेट अपॉन में टोटल एटोमिक वेट ठीक हो गया तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट और अपॉन में टोटल आ जाएगा टोटली फॉर द बाइनरी सॉल्यूशन का के लिए क्या करें जो कि आपके पास क्या होता है दोनों का एडिशन बन होता है एक चीज़ याद रखिएगा कि काई ए और काई बी की वैल्यू ऊपर होती है क्योंकि इन दोनों का एडिशन क्या होता है फुल ऑफ जैसे आप देखिए इन दोनों का ऐड करके दिखाते हैं आपको काई ए प्लस काई बी करते हैं काई ए प्लस काई बी इज इक्वल जब इनको ऐड करोगे तो ऊपर भी एन ए प्लस एन बी आएगा और होल अपॉन में भी एन ए प्लस एन बी आएगा और ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट होंगे इसकी वैल्यू वन आ जाती है ये देखिए प्रूफ करके दिख रखा है काई ए प्लस काई बी इज इक्वल वन हो गया क्लियर और नॉट आगे बढ़ते हैं देखिए पार्ट पर मिलियंस ये तो खाली आपका फॉर्मूला है कि आप किस फॉर्म में लेते हैं टेन की पावर सिक्स होती है इसकी ठीक है पार्ट पर मिलियंस की ये अभी इतनी यूजफुल नहीं है अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है देखिए मोलरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो उसका फॉर्मूला होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है अब देखिए इसमें क्या कहते हैं देखिएगा इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट प्रजेंट इन द वन लीटर ऑफ द सॉल्यूशन सबसे पहले देखिए जब हम मोलरिटी uh, निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स है ऊपर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर लीटर को अगर मिली लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा आपके पास ऊपर थाउजेंड आ जाएगा मल्टीप्लाई में इसी फॉर्मूले देखो नंबर ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूड ऊपर आता है अच्छा एक चीज़ याद रखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोज़ की बात है मोज़ मैंने बताया था गिवन वेट जो गिवन वेट होगा इसका ये है देखो गिवन वेट कितना दिया गया आपके पास ग्राम में वेट अपॉन में टोटल एटॉमिक वेट ये तो किसका आ गया सिर्फ इतने का आया नंबर ऑफ मोल्स सब निकालोगे तो गिवन वेट में टोटल एटॉमिक मास ये आ गया ठीक है नेक्स्ट आपके पास वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है वो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को लीटर को मिलीलीटर में जब आप नीचे कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई आपके पास थाउजेंड आ जाएगा ठीक है और थाउजेंड आ जाएगा तो आप इसको सॉल्व कर लोगे क्लियर ऑन नॉट नेक्स्ट है मोलिडिटी वेरीज विथ टेम्परेचर ड्यू टू चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मोलिडिटी हमेशा क्या होती है वेरीज होती है कि आपके पास क्या है टेम्परेचर ड्यू टू चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आप देखो टेम्परेचर आपके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं ठीक है डिफरेंट मतलब कभी कम कभी ज़्यादा इट मीन्स आपका रेस करते रहेगा ठीक है ठीके? अब आपसे कह रहे हैं वन मोडोरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज वन एम आपके पास लेट कर लीजिए वन एम आपके पास मोडोरिटी हो गया इट इज कॉल्ड अ मोलर सॉल्यूशन जीरो पॉइंट वन एम सोल्यूशन इज कॉल्ड ठीक है इसे बोलेंगे डेसी मोलर सॉल्यूशन वाई जीरो पॉइंट फाइव सोल्यूशन को बोलेंगे सेमी वो ऑटोमेटिक बात है जब कंप्लीट फुल ऑफ होगा तो जीरो पॉइंट फाइव को सेमी मतलब हाफ और उसके डबल को क्या कहेंगे मोलर सॉल्यूशन और सेमी मोलर जो सर्कल का होता है कंप्लीट सर्कल और हाफ सर्कल को सेमी सर्कल बोलते हैं ठीक है ये क्लियर हो गया इतना आगे बढ़ते हैं हम ठीक है मोलोरिटी इज इक्वल क्या है आपके पास मोल मोलरिटी इज इक्वल परसेंटेज बाई मास और मल्टीप्लाई डेंसिटी मल्टीप्लाई अपॉन टेनमल मोलिकुलर आप इससे भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं जब आपको डेंसिटी दी होगी लेकिन ये आपके पास टर्म्स एंड कंडीशन में आएगा अभी जब नुमेरकस में आएंगे आगे पढ़ते हैं हम देखिए अब आपके पास डाइल्यूशन लॉ है आपके पास एम वन वी वन इज इक्वल एम टू वी टू फॉर डाइल्यूशन फ्रॉम वॉल्यूम वी वन एंड वी टू के लिए फॉर रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट फर्स्ट वाला मान लीजिए एम वन वी वन अपाउंट में एन वन एम टू वीट में एन टू वे आर एन वन एन एन टू आस्ट मैट्रिक कोफिशियंट इन बैलेंस इक्वेशन आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे एन वन एन टू क्या हो गए कोफिशियंट या कह सकते हैं आप वन भी हो सकते हैं यूनिट्स वैल्यू होती है इनकी क्लियर अब आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है मोले लिटी जैसे आपने क्या निकाला था मोले रिटी था वैसे ही आप मोलेिटी के क्वेश्चन करेंगे अभी आप नुमाका आएंगे मोले रिटी मोलेलिटी मोर फैक्शंस नॉर्मलिटी ठीक है मोर फैक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉर्मलिटी ठीक है देखिए अब आपके पास मोडिलिटी है मोडिलिटी में आप क्या करेंगे इट इज़ अ नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट पर के जी ऑफ द सॉल्वेंट ठीक है अब आप मान लीजिए कि आपने क्या ले लिया ठीक है दैट कर लिया आपने कि आपके पास क्या मोलिडिटी है तो मोलिडिटी के लिए क्या करेंगे आप ठीक है मोलिडिटी के लिए आपने क्या ले लिया इसमें ये देखिए ये मोलिटी का फॉर्मूला है इसमें भी सेम ऐसी है मास ऑफ़ द सॉल्यूट इन ग्राम होलापॉर्न में क्या जाएगा आपके पास थाउजेंड मल्टीप्लाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम अब देखिए ग्राम में दे रखा किलो किलो तो है किलोग्राम में दे रखा है डिपेंड करता है अगर किलोग्राम में देखा है तो मल्टीप्लाई थाउजेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर और अगर आपके पास देखो मास पर नंबर ऑफ मोल्स तो ऊपर होता ही होता है नंबर ऑफ मोस्ट के लिए क्या है गिवन वेट जो दिया है अपॉन में टोटल एटॉमिक वेट तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स का केस है और मल्टीप्लाई थाउजेंड तो होगा होगा ठीक है और होल अपॉन में होता है मास ऑफ द सॉल्वेंट ग्राम ये ग्राम की बात ग्राम कर रहा है अगर किलोग्राम कह दिया तो थाउजेंड आपका यहाँ से हट जाएगा ठीक मोटर इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर जबकि ये क्या होता है आपके पास इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से क्लियर ऑन ऑट वेन सॉल्वेंट यूज इन वाटर और मोलर वन एम सॉल्यूशन इज मोर कंसेंट्रेशन दैन द मोलर ऑफ वन एम देखिए मोलर मोलर में मोले रिटी आती है ठीक है मोले लिटी आती है ठीक है और उसमें क्या आता है मोले रिटी आती है क्लियर और नॉट हाँ तो ये आपके पास देखिए ये है ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन ये कभी क्वेश्चन आता है कि सॉल्वेंट इज़ यूज्ड इन वाटर अगर हम क्या कहते हैं सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर को यूज़ करते हैं तो मोले रिटी जो होता है वो मोर कंसनट्रेशन होता है एज़ कंपेयर टू मोले लिटी मोले लिटी के, के केस में यह आ गया क्लियर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी क्या होती है आपके पास सेम एज इट इज इसमें भी वही फॉर्मला लगेगा बट यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा आपके पास होता वही है कि गिवन वेट अपॉन में टोटल एटॉमिक मेज मल्टीप्लाई आपके पास थाउजेंड होता है ठीक है तो और आपके पास होल अपॉन में क्या होता है गिवन वेट होता है टोटल सॉल्यूशन का अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट प्रजेंट दीटर ऑफ सोल सूशन नॉर्मलिटी कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम नंबर ऑफ ग्राम मतलब टोटल माइनस इक्वलेंट ऑफ सॉल्यूट मान लीजिए ट्वेंटी ग्राम में दे रखा है तो हंड्रेड में से ट्वेंटी को माइनस करेंगे एट्टी आ जाएगा आपके पास ठीक है तो ये आ जाएगा आपके पास ये तो टोटल मान लो हंड्रेड हंड्रेड में से आपने क्या माना माइनस कर दिया ट्वेंटी माइनस कर दिया तो आपके पास ये कितना जाएगा, 80 हो जाएगा एट्टी तो हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ द सोलूशन लीटर ये तो थाउजेंड में हो जाएगा ठीक है अगर लीटर में तो लीटर में रखिए अगर मिल लीटर में कन्वर्ट करते थाउजेंड हो जाएगा ठीक है हम देखिए आगे नेक्स्ट आपके पास क्लियर आर नॉट तो सिमिलिटी नॉर्मलिटी का फॉर्मूला ये है कि आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपके पास फॉमूला है इसको प्रूफ कराया जाएगा तो ये ही आपके पास रिलेशन के अप्रॉक्सी रिलेशन से या रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी ठीक है ये आपके पास एन इक्वाबलेंट वेट एम मोलिकुलर वेट ठीक है इससे आप क्या निकालोगे सबसे पहले आपके पास क्या है एन ठीक हो गया उसके बाद इक्वाबलेंट वेट इक्वाबलेंट वेट निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे देखिए आपके पास जो रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एन आएगा और इक्वाबलाइन वेट जो होता है आपके पास गिवन वेट अपॉन टोटल एटॉमिक वेट आता है तो गिवन वेट कितना आपके पास वो डिपेंड करता है कि गिवन वेट आपके पास दे रखा है formula ये फॉर्मूला रखा ना इससे ये देखिए तो इससे आपके पास ये एन वन को यहाँ क्रॉस कर दो एन टू को यहाँ क्रॉस कर दो देखिए आपने इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि आप एन वन को यहाँ कर दीजिए और एन टू को यहाँ कर देंगे ठीक है जैसे आपने लेट कर लिया कि एन टू वो यहाँ कर दिया और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपके पास एम वन आ जाएगा और वी वन आ जाएगा इज इक्वल नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा एन वन यहाँ आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे आपके पास एम टू वी टू आ जाएगा ठीक है इस टाइप से आप आपकी इक्वेशन बन सकती है क्लियर और नॉट नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं आपके पास नॉर्मलिटी में यहाँ ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा ये रिलेशन हम प्रूव कर लेंगे ठीक नेक्स्ट है ये फॉर्मेलिटी आपके इसमें है नहीं अभी आपके सिलेबस में नेक्स्ट है मास फ्रैक्शन मास फ्रैक्शन जो होता है गिवन वेट जो आपको गिवन है होल अपॉन में टोटल जो सॉल्यूशन का है आपको पता है सोल्यूट ऊपर आता है नीचे क्या आता है सॉल्यूशन आता है क्लियर और नॉट ऊपर आपके पास क्या आएगा वो कंपोनेंट आएगा जो सॉल्यूट का है लेस अमाउंट वाला और अपॉन में होल अपॉन में जो कंप्लीट वाला है ठीक तो मास फ्रैक्शन ऑफ एनी कम्पोनेंट द सॉल्यूशन इज अ मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन ऊपर हाफ आएगा होल अपॉन में टोटल आएगा क्लियर नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं देखिए मोलेलिटी मोल फैशन एंड मास फैशन आर प्रिफियर ओवर मोलिलिटी नॉर्मलिटी एक्सट्रास बिकॉज फॉर्मल इन्वॉल्व विद विच डू नॉट चेंज द टेम्परेचर अगर टेम्परेचर आपका चेंज ना हो ठीक है इससे पहले हमने पढ़ा था अगर टेम्परेचर चेंज होता है ठीक है तब डिफरेंट आ सकता है ठीक है टेम्परेचर चेंज नहीं होना है तब ये प्रीफर करेगा मोल फैक्शन एंड मास फैक्शन आपके पास मोलेलिटी और नॉर्मिलिटी के केस में अप्रोक्सीमेट इक्वावलेंट होंगे क्लियर नेक्स्ट आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है आपके पास राउंड लॉ राउट लॉ में आप क्या करेंगे देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसे इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा हैनरी लॉ राउट लॉ ठीक है और आपके पास नॉर्मेलिटी मोले, रिटी, मोले रिटी, मो, मास मोले ठीक है और नंबर ऑफ मोस कैसे फाइंड आउट करते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने इलेवंथ क्लास में पढ़े होंगे हो, आई होप ओके हम आगे बढ़ते हैं राउट लॉ राउस लॉ से क्या करेंगे आप राउस लॉ सीखोगे देखिए राउट लॉ के आपके पास सबसे पहले द राउट लॉ स्टेट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ टू वोलाटाइट लिक्विड द वेपर प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड इन द सॉल्यूशन इज लेस देन द रेस्पेक्टिव पेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड एंड द इक्विबियम पार्शियर वेपर प्रेशर इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोर फैशन अच्छा इससे पहले हमने हैंड्रो लॉ पढ़ा था तो उसमें आपने कहा था प्रेशर जो होगा मोर फैक्शन के इक्वावलेंट होगा क्लियर ऑन नॉट तो पार्शियल प्रेशर आपके पास क्या होगा एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा के सबसे पहले आपने पार्शल प्रेशर जो है वो आपके पास क्या इसकी है इसकी कॉल है ठीक है तो उसके बाद ही क्या आ जाएगा आपके पास जो आपके पास पी होगा इज इक्वल प्रेशर जो है वो एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा के और यहाँ पर काई आ जाएगा देखिए आपको ए कंपोनेंट के लिए तो आप ए ए लगा देंगे ठीक है और बी कंपोनेंट है तो आप बी लगा दोगे जैसे आपने मान लीजिए पी बी बी कंपोनेंट के लिए ठीक है ना ये आपके पास क्या आ जाएगा काई बी हो जाएगा सिमिलरली आप ऐसे कर सकते हो क्लियर तो इसमें कहने दिखेगा दर आउट ऑफ स्टेट्स फॉर अ गिवन सॉल्यूशन ऑफ टू वोला लिक्विड दिख रहा होगा आपको ठीक है यह टू वोलाटाइल लिक्विड के लिए देख रखा है देखिए फॉर अ गिवन सॉल्यूशन टू मान लो ए फर्स्ट कंपोनेंट बी सेकेंड कंपोनेंट ऑब्वियस भी सी बात है कोई भी सॉल्यूशन होता है उसमें टू कंपोनेंट होता है फर्स्ट वन आपके पास कौन सा होता है फर्स्ट वाला आपका जो होता है वो है आपके पास फर्स्ट वाला जो पोर्शन होता है वो है आपके पास सॉल्वेंट और दूसरा जो होता है सॉल्यूट होता है ठीक है तो ए और बी दोनों के लिए करेंगे ऑब्बियसली बात है दो वो लिक्विड का मतलब जो वेपर प्रेशर में कन्वर्ट किए जाए वेपर प्रेशर से रिलेटेड वो लाटाइल एक ऐसा वर्ड होता है जो वेपर प्रेशर से रिगार्डेड है ठीक है तो उससे रिलेटेड है द वेपर प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड इन द गिवन सॉल्यूशन इज लेस देन द रिस्पेक्टिव वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन अब देखिए बेटा मोल फ्रैक्शन क्या आपके पास टू टू लिक्विड है फर्स्ट वाला आपके पास ए और बी कंपोनेंट है ए वाले के लिए आपने ए किया के आपका कांस्टेंट आ जाएगा वी आर का ए इज इक्वल क्या आ जाएगा एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी मोर फ्रैक्शन ऑफ़ ए अच्छा एन ए जो है आपके पास मैंने आपको बताया था एन जो होता है वो गिवन वेट मान लीजिए आपके पास ट्वेल्व ग्राम ऑफ मैंने थोड़ी देर पहले ओ टू के लिए किया था ट्वेल्व में तो गिवन हो गया अपॉन में कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ओ का कितना था थर्टी टू इसको सॉल्व आउट करोगे नंबर ऑफ मोल्स तो नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको इलेवन क्लास में भी ठीक है डिस्कस किया था नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं ये पी ए ठीक है पी ए ए कम्पोनेंट ले किया बी कम्पोनेंट ले किया अब आगे पास एक क्या है यह है टोटल वेय पर टोटल में क्या होगा दोनों का एडिशन होगा ऑपरेश बात है फर्स्ट में आपने क्या कर लेना है ए और बी के, के केस में पी इज इक्वल पी ए प्लस पी भी कर लेना है ए का कंपोनेंट और बी का कंपोनेंट का एडिशन करेंगे ठीक है इन दोनों में से क्या कॉमन है देखिए गौर से कुछ कॉमन है नहीं है तो हम क्या करेंगे अच्छा फर्स्ट और सेकेंड में हम कॉमन लेने लिये काम करते हैं फॉर्मुला होता है हमारे पास काई ए प्लस काई बी इज़ इक्वल वन होता है ठीक है तो हम एक काम करते हैं यहाँ से ठीक है जो काई ए की वैल्यू थी ठीक है यहाँ पर से काई ए प्लस काई बी इज़ इक्वल वन होता है तो आपके पास एक काम करते हैं जो सेकेंड वाले पोर्शन में इसको ए में कन्वर्ट करने ये तो आपका ऐसे ही रहेगा इसमें चेंजेस करते हैं इसमें चेंजेस क्या करेंगे यहाँ पर काई बी की जगह क्या रखते हैं काई बी की जगह यहाँ से वैल्यू निकाल के वन माइनस काई ए रख देते हैं ठीक है तो इसमें एक काम कर रखा है इन्होंने कि इन्होंने क्या करा है यहाँ पर से एक आ, काम करो या तो आप ये कन्वर्ट कर लीजिए या आप ये ऐसा कर लीजिए कि आप फ, इस कंपोनेंट को फर्स्ट वाले कंपोनेंट को एज इट इज़ ऐसी रख दीजिएगा जो आपके पास काई ए प्लस काई बी इज़ इक्वल वन है यहाँ से आप क्या कर लीजिए काई ए की वैल्यू निकालिए क्योंकि इन्होंने देखे ना काई भी कॉमन ले रखा है ठीक है यहाँ से प्लस कीजिएगा काई बी इज इक्वल वन है तो यहाँ से आप एक कम कीजिएगा काई ए की वैल्यू रखिए ताकि वो सेकंड वाला टर्म्स किसम आ जाए काई बी के टर्म्स में आ जाए अब पीछे वाला टर्म भी काई बी हो गया फर्स्ट वाले में ठीक है तो फर्स्ट वाला आप देखिएगा ये वाला पोर्शन फर्स्ट वाले को आपने ये रखा और सेकेंड वाले की जगह वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो फर्स्ट में ये तो ऐसे रहेगा एज इट इज़ ये वाला पोर्शन ऐसे रहेगा जो काई ए और इसमें से आपने जो वन माइनस काई ए करा होगा ठीक है और ब्रैकेट में ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा ठीक है तो ये आपके पास ये फर्स्ट वाले ग्रुप और सेकेंड वाले ग्रुप से इसके भी टू टर्म्स बनेंगे पीछे वाले के टू टर्म्स बनेंगे जैसे आप देखिए ये बनेगा देखो फर्स्ट वाला आपके पास क्या बनना है पी ए काई ए बनना है स्टैंडर्ड में प्लस का पी बी स्टैंडर्ड काई बी बनना है ठीक है तो पी ए स्टैंडर्ड और काई ए तो ऐसे ही रहेगा जो पीछे वाला टर्म्स है ये टू टर्म्स बनेंगे पी बी स्टैंडर्ड तो ऐसे ही और इसके जगह क्या रखोगे वन माइनस काई ए अब देखो ये फर्स्ट वाला फर्स्ट है सेकंड वाला सेकंड तो इसका मतलब ये वाला तो एक पार्ट बनेगा जबकि ये क्या बनेगा टू पार्ट्स में डिवाइडेड होगा क्लियर फिर उसमें से आप कॉमन लोगे कॉमन लेने के बाद आपके पास ये फॉर्मेशन हो जाएगा क्लियर और नॉट ये क्लियर हो जाएगा ठीक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको कॉपी कर लीजिएगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं ये आप रूल्स को छोड़ दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस से रिगार्डेड ठीक है आप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है इसे आप कट कर दीजिएगा ये वाला टॉपिक आपका ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं आइडिया सॉल्यूशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया सॉल्यूशन ठीक है आइडिया सॉल्यूशन में क्या कर रहे देखिएगा दो सॉल्यूशन सॉल्यूड सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रक्शन आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू सॉल्वेंट सॉल्यूट अच्छा इसमें देखिए ना इसमें कह रहे हैं सॉल्यूड सॉल्यूट बाउंड और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंड्रक्शन आर ऑलमोस्ट सिमिलर किसकी तरह ए और बी के इंट्रक्शन से बी बी और ए ए वो सिमिलर होते हैं ए बी से जैसे आपके पास सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या जो इंट्रैक्शन होगा उनके बीच में ठीक है जो फोर्स लगेगा एक दूसरे को हीट करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे ठीक है ये एज इट इज सिमिलर होगा एज कम्पेयर टू तो किसके बी बी से बी बी में और ए ए जो होंगे वो ए बी में अब ये देखो ए बी क्या होंगे दो अलग अलग कंपोनेंट होंगे मान लो एक गैस है सॉलिड है ठीक है और हमेशा इतना आइडिया सॉल्यूशन जो होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं राउंडस रखो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी राउस रखो फॉलो करते हैं ठीक है तो जब इसका ग्राफ खींचोगे लेट कर लिया आपने सबसे पहले काईए की जगह वन रख दिया और काई बी की जगह जीरो रख दिया और दूसरे वाले में ए की जगह जीरो रख दिया काई बी की जगह वन रख दिया ठीक है तो आपका जो ग्राफ आएगा इस फॉर्मेशन में आएगा ठीक है फर्स्ट वाला ग्राफ आपका इस फॉर्मेशन में आएगा जिसमें आपने एक वन रखोगे तो जीरो आएगा जीरो को तो वन रखोगे ठीक है इस टाइप से आपका ग्राफ आ जाएगा जबकि ये क्या करता है पी ए जो आपके पास प्लस पी बी ठीक है ये इसको सेटिस्फाई करता है राउट्स का लॉ है आपने पहले पढ़ा होगा ठीक है पी ए प्लस पी बी दोनों का एडिशन ये देखिए अब इसकी प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स में बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आया है कि आपके पास ओबे राउट्स लॉ पी ए और पी बी आपको पता है पी जो होता है डाइटली प्रोपोर्शनल काई के होता है तो लेकिन यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आता है ये पी ए स्टैंडर्ड और इसमें आता है पी बी स्टैंडर्ड ठीक है कॉन्सटेंट है पी जो होता है ये हेनरी में भी यही था कि काई के कांस्टेंट होता है और पी बी जो होता है काई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक कॉन्स्टेंट आ जाता है यहाँ पर वो कांस्टेंट क्या है पी ए और पी वी ए ठीक है पी ए और पी वी आपके पास दो कांस्टेंट नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट आपके पास न्यू एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब डेल्टा एच जो होता है आपके पास जितनी भी आपकी एनर्जी रिलीज हुई है ठीक है एंथैल्पी के फॉर्म में वो आपकी क्या होती है यहाँ पर इवॉल्व या एब्जॉर्ब नहीं होती है कोई चेंज नहीं होता है नेक्स्ट आपके पास क्या है वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आता है ये ठीक है वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आता है नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल्स हैं एग्ज़ाम्पल अगर आपसे पूछ जाते हैं तो ये कुछ आपके ट्राई किए गए थे बेंजिन और टॉलविन में या एन एनहेक्जीन और एन हेप्टेन में इथाइल आयोजिन और इथाइल ब्रोमाइड में क्लोरोवेंजिन और होमोवेंजिन में ये जो आपके पास टू टू का मिक्सचर है सॉल्यूशन का सबका क्योंकि आपको पता है सॉल्यूशन में टू टू का पियरिंग होना नेसेसरी है इन सब में आप देखोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है आपके पास ठीक ये सारे के सारे प्रॉपर्टी शो करते हैं क्लियर नेक्स्ट हम नॉन आइडिया सॉल्यूशन में जाते हैं नॉन आइडिया सॉल्यूशन में आपसे वो कह रहे हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आपकी यही है आप बिल्कुल बाई हार्ड याद कर लीजिए कि फर्स्ट वाली कंडीशन में राउट लॉ ऑबे होता है जबकि सेकेंड वाले में आपका ऑब राउट लॉ ऑबे नहीं होता है ठीक है दो सॉल्यूशन इन विच डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडिया सॉल्यूशन फॉर सच सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्सचर जो है आपका इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा उसमें क्या था डेल्टा एस इज इक्ल ज़ीरो था ना ठीक है और उसमें राउट लॉ फॉलो करता है इसमें नहीं करता है इसमें डेल्टा एज इज इक्वल जीरो उसमें था इसमें डेल्टा इज इज़ नॉट इक्वल जीरो उसमें डेल्टा वी इज इक्वल जीरो था जबकि इसमें इज़ नॉट इक्वल जीरो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर्स में आए हुए हैं ठीक है नॉन आइडिया सॉल्यूशन अच्छा देखिए जो आपके पास आइडिया सॉल्यूशन है और नॉन आइडिया सॉल्यूशन दो है ठीक है आइडिया सॉल्यूशन जो है और नॉन आइडिया सॉल्यूशन ठीक है आइडियल जो है वो तो फिक्स है कि वो शो करेगा ही करेगा किसको रॉउस लो को आइडियल वाला जबकि नॉन आइडियल सो में क्या होता है या तो ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा फिक्स नहीं रहेगा ठीक है अब ये आपके पास क्या है पॉजिटिव भी दिखाएगा और नेगेटिव भी दिखाएगा नॉन आइडियल आइडियल जो है ऑनली क्या दिखाएगा आपके पास जो आइडियल होगा वो आपका जो ऊपर वाला है वो फिक्स है कंटिन्यू मिड पोर्शन में फिक्स है जबकि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है कभी ऊपर शिफ्ट हो जाता है कभी नीचे शिफ्ट हो जाता है ठीक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ प्रॉपर्टी है देखिए इसमें क्या कह रहे हैं इन सच ए बी इंट्रेक्शन आर वीकर देन उसमें तो फिक्स था कि सेम होंगे ए ए में बी बी में वो और ए बी में सब में सेम होंगे जबकि इसमें कह रहे हैं ए बी इंट्रक्शन आर वीकर देन ए ए और बी बी इंट्रक्शन क्लियर और इसमें कह रहे हैं एंड ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एंड द वेपर प्रेशर आर ग्रेटर देन द प्रेडिक्टेड बाई राउंड लॉ पॉजिटिव डेविएशन में याद रखिएगा ग्रेटर होगा ठीक है ये देखिए इसमें आपके बहुत इजी है ज़रा टफ नहीं है आप इजीली कर सकते हैं इसमें देखो और इसमें देखिए आपने जो पढ़ा था इसमें पी ए इज़ इक्वल पी ए स्टैंडर्ड काई ए पढ़ा था किसम डाउट सॉम है अब देखिए पॉजिटिव में क्या होंगे ग्रेटर ग्रेटर होंगे और चीज़ें आपकी ग्रेटर ग्रेटर होगी जबकि नेगेटिव डेविएशन में लेसर लेसर होंगी तो पी ए इज़ ग्रेटर देन पी ए स्टैंडर्ड काई और पी बी इज ग्रेटर देन पी बी स्टैंडर्ड काई बी ठीक है और पी टोटल में दोनों का एडिशन हो जाएगा पी ए का भी और पी बी का भी क्लियर अब हम आगे बढ़ते हैं और याद रखिएगा इसमें हमने एक छोर चीज़ बताई थी आपको डेल्टा एस इज़ ग्रेटर और डेल्टा बी ग्रेटर अच्छा ये बताइए आपके पास जो आइडियल था आइडियल में क्या है आपके पास डेल्टा एच इज़ इक्वल जीरो है और उसमें डेल्टा बी इज़ इक्वल ज़ीरो है अब ये तो किसकी बात आइडियल की बात थी अब हम यहाँ जो पढ़ते हैं वो पढ़ रहे हैं हम क्या नॉन आइडियल नॉन आइडियल में क्या होगा आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा आपके पास डेल्टा एच होगा वो भी ग्रेटर होगा और डेल्टा बी होगा ये भी ग्रेटर होगा दोनों के दोनों ग्रेटर होंगे ठीक है ये भी किस केस के लिए पॉजिटिव के लिए किसके लिए होंगे पॉजिटिव डेविएशन के लिए होंगे और नेगेटिव डेविएशन के सब क्या होंगे लेसर लेसर जाएंगे अभी आप देखोगे ठीक है इसका ग्राफ जब आप बनाओगे तो ऑटोमेटिक सब क्या होंगे ग्रेटर में आएंगे जब इसका ग्राफ आप देखोगे तो ये तो ठीक है डेल्टा है ये काई ही ए इज इक्वल वन टू जीरो और जीरो तो वन ठीक है ये जब देखोगे इस फॉर्म में आएगा इस फॉर्मेशन में ये ग्रेटर में जबकि आप नेगेटिव में जाओगे इसका अपोज होगा अब देखिए इथेनॉल और वाटर का मिक्सर हो गया ठीक है ये देखिएगा और वैसे सी एस टू और एस का टो उनका सी सी एल फोर सी सिक्स एच सिक्स सी सी एल फोर सी सिक्स एच फाइव ये एक्जाम्पल्स देखेंगे एग्जाम्पल देख लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट है नॉन आइडियल कुछ आपके टेस्ट किए गए ठीक है लैब में तो ये सो गए ठीक नेक्स्ट है नॉन आइडियल वो आप दिखाएगा आपका नेगेटिव क्योंकि आइडियल तो आपका फिक्स है जो दिखाएगा वो नॉन आइडियल दिखाएगा नॉन आइडियल का भी ऊपर जा रहा तो पॉजिटिव नीचे जाएगा तो नेगेटिव और आइडियल जो है फ़िक्स है कि वो जीरो ही है ठीक है ना ही पॉजिटिव जा रहा है ना ही नेगेटिव जा रहा है जाएगा कौन नॉन आइडियल जाएगा याद रखेगा अब इसमें क्या करें सच केस द ए बी इंट्रक्शन आर स्ट्रांगर देन ए ए बी बी इंट्रक्शन एंड ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एंड द टोटल वेपर प्रेशर इज लेसर देन लेसर देन आउट ऑफ ए पी ए लेसर है और पी बी भी लेसर है ठीक है तो पी टोटल इज लेसर हो जाएगा पी ए और काई ए और पी बी स्टैंडर्ड काई बी के फर्स्ट सर्स सॉल्यूशन में इसमें ये भी लेसर लेसर ये सब किस में जाएंगे लेसर लेसर में जाएंगे क्लियर क्लियर हो गया ठीक तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको समझ में जाएगा आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करने हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ठीक है